गुड मॉर्निंग बच्चों आज का हमारा बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉल रॉश लो कल मैंने आपको पढ़ाया था मोलर कंडक्टिविटी एट इन मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन पढ़ाई थी मैंने आपको और उसमें लास्ट में एक पॉइंट बताया था मैंने कि हम उस ग्राफिकल मेथड से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट आइट पर फाइंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपने देखा था वो जो कर्व था वो पैरल हो गया था वाई एक्सिस के और वो कभी भी वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट नहीं कर रहा था अब उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है नेक्स्ट कॉलरोश लॉ कॉलरोश लो क्या कहता है बच्चों कोलरोश लॉ कहता है कि अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसका मतलब जैसे मैंने कल बताया था आपको कैप एम नॉट फाइंड करना है तो बहुत सिंपल तरीका ये कहता है कि उस मेथड से बेशक नहीं निकल पाया आप इस मेथड से निकाल लीजिए वो कहता है कि सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन इट इसका मतलब यह है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटाइन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन इट कोई भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ब्रेक हो जाएगा आपको पता है पार्शली ब्रेक होगा अपने कैटाइन में और एनायन में तो कैटाइन और एनायन दोनों ही आयंस हैं आयंस की क्या होंगी आयनिक कंडक्टिविटीज़ होंगी तो ये कहता है अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ना तो आप उनके आयन्स की आयनिक कंडक्टिविटी का सम कर दो अगर कैटाइन और एनाइन बनेगा सीधी सी बात है तो कैटाइन की आयनिक कंडक्टिविटी प्लस एनाइन की आयनिक कंडक्टिविटी दोनों को ऐड कर दो तो ये कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डलूशन पर और जो ये कह रहा है लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस मतलब अगर दो कैटाइन है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो एन आइन है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी आयंस हैं इसका एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि ये दिया हुआ है कैप एम नॉट सी एस थ्री सी डब्लो एच इसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है सी एस थ्री सी डब्लो एच की अब आपको पता है ये टूट जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव एन में और एच पॉजिटिव कैटाइन में और इनकी आयनिक कंडक्टिविटीज का सम कर दो तो ये जो लेमड़ा नॉट है लेमड़ा नॉट का मतलब आयनिक कंडक्टिविटी होता है और कैपेम नॉट का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गण इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका मतलब मैंने कैटायन ये कैटायन और ये एनाइन दोनों की आयनिक कंडक्टिविटीज का सम कर दिया तो मेरी क्या निकल गई मोलर कंडक्टिविटी निकल गई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सिमिलरली मान लो मुझे बी ए सी एल टू की निकालनी है बेरियम क्लोराइड की निकालनी है अब आपको पता है इसके अंदर बेरियम के कौन से आयन बनेंगे बी ए टू पॉजिटिव और सी एल के बनेंगे दो क्योंकि सी एल टू है तो लेमडा नॉट बी ए टू पॉजिटिव और लैमडा नॉट सी एल नेगेटिव लेकिन क्योंकि सी एल दो हैं इसलिए हमने आगे दो से भी मल्टीप्लाई किया है इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइंस जितने आइंस होंगे उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो ये सिंपल सा हमारा लो है कॉल रॉश लो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आइंस वेरी सिंपल अब इसकी एप्लीकेशंस पहली एप्लीकेशन हमारी बच्चों यही है इससे क्या काम आता है हमारा ये ये काम आता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के काम आता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सेम टू तो सेम जो इसका मेन काम है जैसे हमने कैप एम नॉट सी एस थ्री सी डबल ओ एच टू हो जाएगा लेमडा नॉट सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट एच पॉजिटिव सम ऑफ आइनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एन सेकेंड सेकेंड हमारी एप्लीकेशन इसकी ये है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री का मतलब होता है अमाउंट मात्रा कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है कितना टूटा है उसको बोलेंगे हम कितना ब्रेक हुआ है उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होगा हमारा एल्फा एल्फा इज इक्वल टू ये आ गया हमारा फॉमूला कैप एम सी अपॉन कैप एम नॉट अब कैप एम सी क्या होता है कैप एम सी होता है बच्चों हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसका कैपा इंटू वन थाउजेंड अपॉन एम कैपा हो गया हमारा कंडक्टिविटी और एम हो गया मोलरिटी और कैप एम नॉट कैप एम नॉट क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो कि हम फाइंड करेंगे कहाँ से हम फाइंड करेंगे कॉल रॉश लॉ से इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसीशन का फॉर्मूला हो गया एल्फा इज इक्वल टू कैप एम सी अपॉन में कैप एम नॉट और कैप एम सी मोलर कंडक्टिविटी उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता ही होता है कैप, अपोन में कैप एम नॉट कैप एम नॉट कॉन फाइंड कराएगा इसका मतलब ठीक है द डिसोसिएशन की वो कितना टूटा है उसका जो कांस्टेंट आता है वो भी निकालने काम आता है जैसे कि इसका फॉर्मुला हो गया के इज इक्वल टू सी एल्फा स्केयर अपॉन वन माइनस एल्फा सी क्या होगा यहां पर हमारा सी हो गया कंसेंट्रेशन और अल्फा होगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी आपने देखा था जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने निकाला था वो यहाँ से निकाला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये रहा पीछे यहाँ से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के आए थे कॉल लॉ का यूज करते हुए तो इसी तरीके से हमारा जब हमने कॉल लॉ से अल्फा निकाल लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल दिया तो हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी निकाल लेंगे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला के इज इक्वल टू सी एल्फाकेर अपन वन माइनस एल्फा सी हमारी कंसनट्रेशन आपको गिवन होगी और अल्फा आप लास्ट वाले सेकेंड वाली एप्लीकेशन का फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे फोर्थ हमारी एप्लीकेशन बच्चों ये है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट स्पेरिंगली क्या होता है स्पेरिंगली सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जो बहुत कम सोल्यूबल होते हैं लेस सोल्यूबल सॉल्ट को हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कहते हैं तो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के सोल sol, निकालने के भी काम आता है तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की जो सोलिबिलिटी का फॉर्मूला होता है कैपा इन में वन थाउजेंड अपन कैप एम नॉट कैपा आपको पता है क्या होता है कंडक्टिविटी और कैप एम नॉट मेन चीज वही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको हम ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल पाए थे जिसको हम किससे निकाल रहे हैं कॉल रॉश लॉ से निकाल रहे हैं सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ठीक है बच्चों ये इसकी तीन हमारी चार हमारी एप्लीकेशन हो गई पहली एप्लीकेशन मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फाइनाइट डायलूशन पर फाइंड करता है जो मेन इसकी डेफिनेशन भी है जो मेन इसका पर्पस भी है मेन इसका काम भी है सेकंड ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का काम आता है तीसरा हमारा ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालने का काम आता है और चौथा हमारा ये सोलिबिलिटी निकाल लेगा किसी भी स्पेरिकली सोलिबल सॉल्ट की इन सब के अंदर मेन चीज़ यही है कि कैप एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन जो कि फाइंड कर ही रहा है एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट कैप एम नॉट मतलब हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलूशन फाइंड करनी है किसकी फाइंड करनी है सी एस थ्री सी डब्लू एच की फाइंड करनी है एसटी कैसेड की फाइंड करनी है लेकिन अब की बार मुझे आयनिक कंडक्टिविटीज नहीं दी हुई मुझे मोलर कंडक्टिविटी ही दी हुई है एच सी एल की दे रखी है सी एस थ्री सी डब्लू एन ए की दे रखी है और मुझे दे रखी है एन ए सी एल की दे रखी है तो अब हम इसे कैसे करेंगे देखो मुझे सी एस थ्री सी डबल ओ एच की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है और मुझे मोलर कंडक्टिविटी ही दी हुई है बाकी तीन मोलिक्यूल्स की एक तो एस सी एल की एक सी एस थ्री सी ओ एन ए की और एक एन ए सी एल की तो मैं चेक करूँगा बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ उसका सी एस थ्री सी डबल ओ एच मुझे चाहिए तो सी एस थ्री सी डबल ओ एच का आप देख सकते हैं जो सी एस थ्री सी ओ ओ है वो मुझे कहाँ मिल जाएगा वो मुझे मिल जाएगा सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए में आप देख सकते हैं सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए के अंदर मुझे क्या मिल गया ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं सी एस थ्री सी ओ ओ मिल गया ठीक है सी एस थ्री सी ओ एन ए में बाकी क्या बचा मुझे मेरे पास मेरे पास सी एस थ्री सी डब्लू एच बनाने के लिए मेरे पास एच और चाहिए मुझे वो एच कहाँ मिलेगा मुझे वो एच मुझे मिलेगा एच सी एल में एच सी एल में मिलेगा मुझे एच ये एच आप देख सकते हैं एच सी एल में एच मिल गया तो मुझे सी एस थ्री सी डब्लू एच बनाना था तो सी एस थ्री सी डबल में तो मुझे मिल गया सीएस थ्री सी ओ ओ और एच सी एल में मुझे मिल गया खाली एच तो सी एस थ्री सी डब्लू एच बन जाएगा फालतू क्या बचा आप देख सकते हैं कि फ़ालतू बचा इसमें तो एन ए फालतू बच गया और इस वाले में सी एल फालतू बच गया तो जो फालतू का है उसको माइनस कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा कैप एम नॉट एन ए सी एल ठीक है तो बहुत सिंपल हो गया तो सी एस थ्री सी डब्लू एन ए की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है हमें फोर ट्वेंटी सिक्स फोर ट्वेंटी सिक्स लिख दिया मैंने एच सी एल की कितनी दी हुई है हमें नाइन्टी वन दी हुई है नाइन्टी वन लिख दिया मैंने और एनी सेल कितनीतनीतनी दे रखी है वन ट्वेंटी सिक्स दे रखी है माइनस मैंने वन ट्वेंटी सिक्स कर दिया तो फोर ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन्टी वन माइनस वन ट्वेंटी सिक्स थ्री नाइन्टी वन इसका आंसर आ जाएगा और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट मैंने आपको बताई थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्यर मोल इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कृपया आप मैसेज डाल दें मेरे पर्सनल नंबर पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको दोबारा से वो टॉपिक रिवाइज़ करा दूँगा और कहीं भी कोई डाउट आता है तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए और डेली का काम डेली कीजिए थैंक यू वेरी मच